हाय गाइस, वेलकम बैक इन माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज अभी मैं मार्केट में निकली हुई हूँ, लिटरली बहुत थक चुकी हूँ। काफ़ी लेट में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है आज, और यहाँ पे कुछ चीज़ें थी वेडिंग रिलेटेड जो मुझे लेना था, अभी लिया है मैंने। और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं। मैं एक बार चौक गई, वहाँ से लौट के आई, फिर से अब चौक जा रही हूँ, क्योंकि जो सामान मैंने लिया था वो कम था। जूही से बात नहीं हो पाई थी, जूही फिर से चली गई हॉस्टल। तो यही सब मैटर आजकल चल रहा है दिन भर। पर एक छोटी सी दुकान है जहाँ मैं बैठी हुई हूँ, आंटी सामान लाने गई है और थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग रहा है। और बाल मैं खोल के निकल आई हूँ क्योंकि पूरे बाल एकदम मुड़ जा रहे थे मेरे। मेरा इस गली में भीड़ सबसे ज़्यादा है, मतलब चलने की भी जगह नहीं है। मैं भी किसी तरीके से यहाँ खड़ी हूँ। मुझे लेना था यहाँ पे पेटीकोट, और मैं आई हूँ एक दुकान में जो जूही को कलर चाहिए और जैसा चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रही है उसको लेने में। दोबारा मैं घर जाके जो मैंने टेलर के यहाँ एक अभी सूट दिया था उसका ये फैब्रिक था, आई मीन स्तर जो अंदर लगता है वो भूल गई थी, तो वो लेके अब दोबारा मैं जा रही हूँ टेलर के यहाँ। मतलब मुझे कुछ ना कुछ चीज़ भूल ही जाती है। मेरे चैनल पे कुछ लोग ऐसे हैं, मतलब यूट्यूब फैमिली मेरी ऐसी बिल्ड है, जो बहुत टाइम से मेरे वीडियोज़ को देखते हैं और एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। उनमें से एक लोगों का कमेंट आया, अभी मैंने एक कंटेनर का वीडियो डाला था, मुझे नाम नहीं पता था, तो उन्होंने कहा उसको दौरी बोलते हैं, स्टाइल में बोलना चाहे तो दौरी बोलते हैं। तो मेरी हंसी ही लिटरली नहीं रुक रही थी। मुझे नहीं नाम याद था इसलिए मैंने नाम नहीं लिया, बल्कि ऐसा नहीं था कि मैं बोलना नहीं चाह रही थी, ऐसा नहीं था यार। बल्कि कुछ मैं गलत करती रहती हूँ, आप लोग मुझे बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चलो कम से कम ये चीज़ मैं नहीं जानती थी, जान तो गई। बाय द वे, ऐसी एक है मेरे चैनल पे जिनको मैं यूट्यूब के थ्रू ही मिली थी, फिलहाल मैं उनको अपनी बड़ी बहन जैसे मानती हूँ। उनका नाम है ज्योति। कई बार कमेंट्स करती हैं और मैं कुछ भी गलत ऐसा करती हूँ तो वो मुझे वीडियो के थ्रू, कभी कभी तो मेरे व्हाट्सएप पे भी कनेक्टेड है, वो मुझे बताती हैं। मैं बहुत, मुझे अच्छा लगता है कि मैंने यूट्यूब पे ऐसी एक कम्युनिटी अपनी बिल्ड की है जो लोग मुझे लिटरली जानते हैं। बहुत बड़ी तो फैमिली नहीं है, छोटी सी है, लेकिन जितनी भी है मुझे अच्छे से जानती है, मुझे समझती है। आई एम हैप्पी। पूरे मार्केट में ढूंढने के बाद इस तरीके की हमें पॉलिथीन मिल पाई जिसमें हम साड़ीज़ को रख पाएँ। यार लुक एट दिस, पूरा मार्केट छान मारा भाई, मिल नहीं रहा था। कुछ पार्सल भी अभी घर पे आए हैं तो रिसीव हुआ है। पूरा दिन परेशान होके बीत रहा है आजकल कि ये लेना है, वो लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है। जूही का इंटरनल एग्ज़ाम भी चल रहा है, कुछ दिन में उसके एनुअल एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। जिस दिन उसकी विदाई है उस दिन भी उसका एग्ज़ाम पड़ गया है, ये बहुत बड़ा टास्क है उसके लिए। अकॉर्डिंग टू पंडित जी, डे जो विदाई की डेट है उसको पोस्टपोन नहीं की जा सकती है, तो विदाई तो उसी दिन होगी, लेकिन देखते हैं कैसे कैसे क्या अरेंजमेंट होगा। ये थोड़ा सा टास्क टाइप ऑफ थिंग है, आप लोग देखोगे आप लोगों को पता चलेगा, सब कुछ अपडेट टाइम टू टाइम देती रहूँगी आप सभी को, ना बड़े वीडियो के थ्रू तो आपको मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू तो अपडेट देती ही रहूँगी। ये भैया कोम है जो पर्पल से ऑर्डर की गई है, कोम पे भी पर्पल लिखा हुआ है। जितना अच्छा कोम सोचा था गाइस उतना अच्छा ये कोम है नहीं, बालों में फंस रहा है, इसके नीचे चुभने वाला टाइप का कुछ है। अभी अभी आ गई है जूही और मैं आई हूँ छत पर बैठने के लिए धूप में। बहुत नीचे ठंड लग रही थी रूम के अंदर, ठंड और धूप में बैठते ही गर्मी लगने लग रही है, ये वाला इस मौसम में होता है हर बार मेरे साथ। जितने भी तार पे कपड़े डले हुए थे सारे के सारे बेचारे उड़ चुके हैं। मेरे साथ छत पर बैठने के लिए धूप में आ गई है जूही दीदी, वो रही। इस बार से तो मैं इतनी परेशान हूँ ना कि मैं क्या बोलूँ। फाइनली मैंने अपने पुराने हेयर स्टाइल अपना लिया है, ये वाली बाल मोड़ कैसे पीछे करने वाली। लीजिए यहाँ पर जूही के सारे सामान को ले जाने के लिए पैकिंग हो रही है, जो कि बुआ जी कर रही हैं हमारी। कौन मैं मच्छरदानी नहीं पहनी है, कपड़े का ट्रेंड है बहुत। तो यहाँ पे ये सब चीज लगाया जाता है पैकिंग करने से पहले, पूरा कमरा भरा हुआ है इन सब चीजों से। इतना चावल भर दिए कि बुआ ये सब क्यों किया जाता है? माता रानी बना दी, ये सब क्यों किया था बुआ? ये है जो मम्मी बताई है, जो मम्मी बताई है। आप मम्मी अच्छा शुभ काम से पहले स्वास्तिक। महाराज प्रथम निमंत्रण आपको पूरन करियो काज, मां विघ्नेश्वर पाद पंकज। कंप्लीट हो गया ये पूजा शुभ वाला, यहाँ पे अब इसमें किया जाएगा सामान पैक। पड़े एक बार तीन चार निकल चुके हैं हम सभी आज फिर टेलर वाली दुकान पे। टेलर वाली दुकान में जा रही बुआ?
बुआ के दांत में प्रॉब्लम हो गया गाइस थोड़ी सी, तो बुआ खुल के हंस नहीं पा रही है, खुल के हंस। हम आ गए हैं भैया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। क्यों आए हैं? क्योंकि श्वेता मीन्स माय बेस्टी, उसकी भाभी को हुआ है बेबी, बेबी बॉय है, तो अभी हम जा रहे हैं देखने। तो गाइस हम लोग बच्चा देख लिए हैं, बच्चा देख के वापस आ गए, बच्चा एकदम छोटा सा है। चाय पीने हम आ गए क्योंकि श्वेता ने सुबह चाय नहीं पी थी, ओके। यहाँ पे ये पालक चुकंदर और गाजर का जूस काफी अच्छा मिलता है। चूरन लिया जा रहा है यहाँ पे मिक्स करवा के। जा रहे हैं हम घर के साइड। सभागार में आई है मार्केट, तो हम जा रहे हैं यहाँ की छानबीन करने, इसको अब देखने वेखने। खोलिए, दो तीन दुकान खोलिए। दुकान बहुत है, करेगा कौन, आदमी लगा के काम करवाना पड़ेगा। मैं दुकान आ गई है मैडम जी, ये यहाँ पे थोड़ा टट्टी जैसा मत दिखाओ। हैप्पी वैलेंटाइन डे गाइस, चॉकलेट खा लो। नीनू बोला चला, क्यों इतना हंस रही हो तुम? वैसे ही जो देख के हंसी आ रही है हमको, लग नहीं रहा देखे तुम्हारी शादी पड़ी है। बहुत दिन बाद आज हनी आई है, क्यों? क्योंकि जूही दीदी की शादी हो जाएगी, अपने घर चली जाएंगी, तो जूही दीदी से मिलने आ गई है हनी दीदी। हनी दीदी नहीं है एक्चुअल में, मुझसे बहुत छोटी है ये। बहुत लोग कंफ्यूज आते हैं, तुम बड़ी है कि छोटी हो, बिट्टू बड़ी है कि छोटी है, खुशी बड़ी है कि छोटी है, तो सबसे छोटा सब लोग इसको ही समझते हैं। पर वो है नहीं, लेकिन ये दीदी है, इसकी दीदी है ये, और मैं इन सबकी दीदी हूँ इसको छोड़ के। नहीं, मेरी दीदी नहीं है। तो मैं तुम्हारी क्या हूँ? बहन। बहन तुम्हारी क्या हूँ मैं? सिसो। सिसो आई यो गाइस, इनकी भी फोटो कभी ले लेनी चाहिए। बहुत गंदा बैकग्राउंड है यार, बंद कर। इतनी सुंदर, कैसे लूंगी ना, अब नहीं आएगा। इतनी सुंदर सी है, देखिए चेहरे पे पूरा दाना निकला है, स्किन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। वाहियात स्किन। क्या आया है दीदी? पिज्जा। खोलो, ओपन करो इसका अनबॉक्सिंग करो, अनबॉक्सिंग देखें कैसा है ये। लापिनोज पिज्जा। ओके, जस्ट अनबॉक्स दिस एंड मुझे दिखाओ, मैं खाऊं। लापिनो वाले नहीं है मेरे ही लिए। ओ, अच्छा उत्कर्ष पढ़ाई कर रहा है, इसकी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है। गाइस, नजर तुम्हारी पिज्जे पे ही है। अरे रो, यही चीज करते हो तभी गाली खाते हो, मैनर लेस हो एकदम तुम। अरे गाइस, होता है घर में बेबा हुआ है, बेबी बॉय, इट मींस बेबा, और सेम डेट पे, पिछली साल इसी डेट पे बेबी हुई थी, इस बार बेबा हुआ है। अरे बोलोगी? वैलेंटाइन डे पे दोनों हुए हैं। ब्लैक डे भी बोल सकते हैं। दैट इज ब्लैक डे, आल्सो बर्थडे, आल्सो वैलेंटाइन डे। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ श्वेता के घर, और आज है ब्राइड टू बी पार्टी, इसका ब्लॉग आपको अलग से देखने को मिलेगा। घूर रही हूँ। हाय गाइस, वेलकम बैक। ओके, बाय 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 गाइस।